फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम अपने सैमसंग के फ़ोन में ब्लूटूथ एयरफोन को कैसे डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, ब्लूटूथ एयरफोन को डिस्कनेक्ट करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइस, वीडियो शुरू कर देते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले जाना है मोबाइल सेटिंग ऑप्शन में। गाइस, मोबाइल सेटिंग ऑप्शन में आने का जैसे इंटरफेस आता है, और यहाँ पे देखिए गाइस, आपको कनेक्शंस का ऑप्शन सिंपली दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्लिक करना है। गाइस, कनेक्शंस के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ब्लूटूथ के ऑप्शन पे भी हमको क्लिक कर देना है। गाइस, ब्लूटूथ के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस मिल जाता है। तो गाइस, ये हमारा कनेक्टेड है। देखिए, यूबॉन CL20 कनेक्ट 100% बैटरी रिमेनिंग लिखा हुआ है। तो गाइस, यहाँ पे हमको क्लिक करना है साइड में। यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइस, आपको देखिए तीन ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पर। तो हमको बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है डिस्कनेक्ट पर। तो गाइस, ये हमारा डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अगर गाइस आपको दोबारा कनेक्ट करना है, आप फिर से इस पर क्लिक करेंगे तो दोबारा कनेक्ट भी हो जाएगा। तो गाइस, इस तरीके से हम अपने सैमसंग के फ़ोन या ब्लूटूथ एयरफोन को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, आई होप कि आपको हमारे वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।